नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के निवासी प्रवासी मजदूरों के घर वापसी पर उन्हें जिले की अलग अलग सीमाओं पर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, किंतु उन्हें समय से पहले 3 दिनों में ही घर भेज दिया जा रहा है, वो भी पैदल। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन में रखे गए मजदूरों को बासी दूषित भोजन दिए जाने की शिकायत भी मिल रही है। इस बारे में जब कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिन मजदूरों में 3 दिन में कोई लक्षण नजर नहीं आते उन्हें भेज देते हैं। क्वारंटाइन में रखे हुए मजदूरों को बस द्वारा उनके घर पहुंचाने के आदेश हैं। संभवतः ये मजदूर आसपास के गांव के ही होंगे, इसलिए उन्हें पैदल छोड़ा गया होगा। भोजन के लिए सभी तहसीलदारों को पर्याप्त राशि दी गई है, यदि कम पड़ी है तो राशि बढ़ा दी जाएगी। मामले की जांच करवा लेते हैं। विनोद, कहाँ रहते हो? खमरिया कोस में। अभी कहाँ से आ रहे हो? कंजई से। कंजई से तो क्या है, कंजई आइसोलेशन कक्ष में थे क्या? हाँ। कब आए थे? 25 तारीख को। 25 तारीख को, आज 3 दिन। आज क्या छोड़ दिया क्या आपको? हाँ, छोड़ दिए। क्या बोले? जा सकते हो बोले, डॉक्टर भी आए थे चेक करने के बाद। तो जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाया आपके गाँव तक छोड़ने के लिए? व्यवस्था तो है नहीं है बोल रहे थे। तो उनने क्या बोले आपको, जाना है तो जाना है तो जा सकते हो बोले, या घर से तो सुविधा मिलती है तो बुला लो बोले। मतलब उनने छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं बनाया? तो वहाँ बता के आए हो आपके? हाँ, हम घर जा रहे हैं। कब आए थे यहाँ पर, किस डेट पे आए थे कंजे में? कौन दिन था? 25 तारीख को आए थे सर। 25 तारीख को आए थे। हाँ। अभी आप पैदल ही जा रहे हो? हाँ, पैदल। अपने घर पैदल ही जा रहे हो? हाँ, पैदल ही जा रहे हो। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है ऐसा बोल दी क्या उन्होंने? पैदल चले जाओ बोले। कंजई का आया सर, कंजई क्वारंटाइन सेंटर है सर। वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यदि कोई बाहर से, दूसरे प्रदेश से या दूसरे जिले से आते हैं, उनको 4 दिन का क्वारंट सेंटर में रखना है। लेकिन सर ये देखा जा रहा है कि 3 दिन में ही क्वारंट सेंटर से उनको निकाल दिया जा रहा है और पैदल ही जाना पड़ रहा है। साथ ही जो खाद्य सामग्री उनको मिल रही है वो भी खट्टापन से मिल रहा है, हो सकता है पुराना मिला हो, तो वो खाद्य सामग्री में भी कुछ बताया जा रहा है।